ठीक से खड़ा हो जाओ अच्छे से। जिसका मास्क है मास्क लगाओ ऊपर। मॉडल नेम इकोनॉमिकल क्राइसिस इन श्रीलंका। ग्रुप नेम हरे भाई ग्रुप। देखिए अब हम लोग इस पे इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आया था श्रीलंका पे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले का स्थिति ये था कि वहाँ पे टूरिस्ट जो था उससे आता था 13-14% वहाँ से इकोनॉमिक जो पैसा था वो आता था। ठीक है, तो वहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, वहाँ पे चाय का खेती बहुत होता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में और सबको एक्सपोर्ट करता था खेती भी। ठीक है, अब वहाँ का शिक्षा भी बहुत अच्छा था, उसको एशिया का सबसे अच्छा शिक्षा वाला देश माना जाता था और वहाँ पे हरा भरा हर चीज़ था। लेकिन अब क्या हो गया वहाँ का स्थिति, अब लाइन यहाँ पे 24 घंटा आता है लेकिन वहाँ पे क्या स्थिति हो गया, 3 घंटा बस, 3 घंटा या 4 घंटा वहाँ लाइन दे रहा है। ठीक है, अब वहाँ जो हम लोग को सिलेंडर गैस मिलता है 1200 से 1300, लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसा आ गया कि वहाँ सिलेंडर 4000 रुपीज मिल रहा है, 4000 श्रीलंका में, और यहाँ तेल 100 रुपीज़ है, वहाँ पर मिल रहा है 400 रुपीज़। ठीक है, और वहाँ पर जितना हम लोग सोशल चीज़ यूज़ करते हैं, जितना नेट से चलता है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, सारा वहाँ बैन कर दिया गया, वहाँ सारा ब्लॉक कर दिया गया। और वहाँ का जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं दुकान में, उसका स्थिति ऐसा आ गया है कि जो वहाँ का चावल 400 हो गया है और गेहूँ सारा का रेट बढ़ गया, 380 रुपये वहाँ का जितना खाने। अब स्कूल का स्कूल तो वहाँ बहुत ख़राब स्थिति हो गया, जो हम लोग स्कूल में क्या यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, पेपर लिखने के लिए यूज़ करते हैं, कॉपी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम होने वाला था श्रीलंका स्कूल में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पेपर ही का शॉर्टेज हो गया, पेपर ही खत्म हो गया श्रीलंका में, एग्जाम हुआ है, एग्जाम को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस सब का कारण क्या था, वहाँ यहाँ पर दिखा रहे वहाँ पर सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर क्या हुआ ब्लास्ट, कहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तीन जगह ब्लास्ट हुआ था, और 3 होटल में जहाँ 245 लोग मारे गए थे, और उनके पीछे था एंटी मुस्लिम था। ठीक है, एंटी मुस्लिम वॉरेंट था। ठीक है, तो ये लोग क्या क्या था यहाँ पर, उसको बैन कर दिया गया था, मुस्लिम जो बुरखा यूज़ करते हैं उसको बैन कर दिया गया यहाँ पे ना ही नहीं, तो ये लोग ब्लास्ट किया। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये बोलते हैं यहाँ पे 2019 में आके बोले कि हम आएंगे राज्य में तो हम सारा चीज़ सुधार देंगे, लेकिन अब ये क्या किए, ये चाइना से मंगाए खाद लगभग 4 मिलियन डॉलर प्लांट किया था सारा खत्म।